आज नीतीश जी दूर हुए हैं, फिर ममता जी दूर होंगी, फिर आम आदमी पार्टी दूर होंगी और लास्ट में कांग्रेस अकेली रह जाएगी। पंजाब की अर्थव्यवस्था इतनी बुराई बुरे हाल में है कि वहाँ 6-6 महीनों से एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दी जा। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा हो देश हो, कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद कांग्रेस पूरी तौर पर बिखर जाएगी। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। ये तो समय पे बैठ के सीट शेयरिंग का निर्णय होगा और कैसे आगे बढ़ेगा तो भविष्य बताएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज भिवानी जिले के बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव मंडाना पहुंचे। पहले लोगों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों को संबोधित किया। बाद में बवानीखेड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात कही। डिप्टी सीएम ने एनडीए गठबंधन में अपनी भूमिका को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी तैयारी कर रही है और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे सामने आएंगे तो बैठकर बातें होंगी। उन्होंने अपनी ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे भाजपा के साथ जजपा के रिश्तों में खटास आए। जमकर सरकार का गुणगान किया। इस व्यवहार को इस तरह भी कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला किसी भी तरह भाजपा के साथ तालमेल बनाए रखना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए दुष्यंत चौटाला यहाँ तक कह गए कि आने वाले समय में कांग्रेस अकेली रह जाएगी। आम आदमी पार्टी भी दुष्यंत के खास निशाने पर रही। आइए सुनते हैं दुष्यंत के व्यंग्यबाण। पार्टी का 90 की 90 विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चल रहा है और जो पीछे सदस्यता अभियान चलाया था उसको और आगे कैसे बूथ लेवल पर लेकर जाए, बूथ योद्धा बूथ सखी के माध्यम से बूथ को स्ट्रेंथन कर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के चारों कोणों में पार्टी कार्यक्रम चल रही है, जिसके उपरांत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी भी दी गई है और संगठन का जो कार्य रहा है उसका प्रचार करने का जिम्मेवारी के साथ बढ़ाया। देखिए, मैंने पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा है और ये कभी साथ नहीं चल सकता। अभी तो आप देख रहे, आज नीतीश जी दूर हुए हैं, फिर ममता जी दूर होंगी, फिर आम आदमी पार्टी दूर होंगी और लास्ट में कांग्रेस अकेली रह जाएगी। ये तो कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा नाम अगर कोई होगा तो इंडी अलायंस हो। कि पंजाब एक उदाहरण है जहां उनकी संपूर्ण सरकार है। आज पंजाब की अर्थव्यवस्था इतनी बुराई बुरे हाल में है कि वहां 6-6 महीनों से एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दी जाती। दिल्ली में तो ये बहाना था केजरीवाल जी पर कि केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब तो नहीं है। शिक्षा चिकित्सा की बात करने वाले लोग ये तो बताएं कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री होकर अपने ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं बचा पा रहे। आज हरियाणा जनसंख्या में भी उनसे छोटा है, क्षेत्रफल में भी उनसे छोटा है, पर उनसे ज़्यादा GST कलेक्ट करता है, उनसे ज़्यादा आज टैक्स कलेक्ट करता है प्रत्येक सेक्टर के अंदर, और डेवलपमेंट के अंदर भी सबसे ज्यादा योजनाएं किसी प्रदेश ने बनाई है तो हरियाणा प्रदेश ने बनाने का। जनता बहुत जागरूक है। ये लुभावनी वादे जो कांग्रेस कर रही है तो राजस्थान में भी हमने देखा था, और राजस्थान में तो 25 लाख की हेल्थ स्कीम बना दी थी आयुष्मान के ऊपर जाकर भी, वहां पर तो मिर्च मसाले भी राशन डिपो के माध्यम से दे दिए गए थे, उसके बाद भी जनता समझी और जानी और जनता ने फैसला किया। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा हो देश हो, कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद कांग्रेस पूरी तौर पर बिखर जाएगी। देखिए, NDA अपना काम कर रहा है, आज भी प्रदेश को स्थिर सरकार हमने पिछले 4.25 साल से दे रखी है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। ये तो समय पे बैठ के सीट शेयरिंग का निर्णय होगा और कैसे आगे बढ़ेगा तो भविष्य बताएगा।